दोस्तों आज का जो हमारा प्रोडक्ट होने वाला है वो है वैक्सेट। वैक्सेट यानी अगर कान में वैक्स जमा हो गया हो और वो वैक्स सॉलिड यानी समझ रहे हो ना गट्ठे जैसा हो गया हो, तो उसको निकालने के लिए कोई भी नॉर्मल आई ड्रॉप काम नहीं करेगी। दोस्तों अभी तो केमिस्ट शॉप पे आई एंड ईयर ड्रॉप दोनों का कॉम्बिनेशन मिलता है, तो वो चीज़ बिल्कुल मत लेना क्योंकि वो ना तो ईयर में काम करेगी ना तो आई में काम करेगी और बीच में फंस जाओगे। तो कभी भी अगर बच्चों के बड़ों के सीनियर हैं सिटीजन अगर कान में सॉलिड वैक्स जमा हो गया यानी गट्ठे जैसा खूट जमा हो गया हो, उसको निकालने के लिए आपको पैरा डाइक्लोरोबेंजीन का यूज़ करना ही पड़ेगा। दोस्तों इसमें ऑयल होता है, ये कोई वाटरी ड्रॉप नहीं होता, इसमें ऑयल जो होता है ऑयल होता है, और वो जाने के बाद जो भी वैक्स सॉलिड फॉर्म में जमा हुए थक्के जैसा जमा हुए हैं उसको ढीला करता है यानी इसको लिक्विड में बनाता है और पूरा जो वेस्ट रहेगा जो खूट रहेगा उसको कान के बाहर लेके आता है। दोस्तों इस तरह से ऑयल ड्रॉप काम करती हैं। तो जैसा मैंने बताया अगर बच्चों के कान में वैक्स है 2 साल के ऊपर है तो 2-2 बूंद कंटिन्यू आपको 3 बार सुबह दोपहर शाम डालना है। कंटिन्यू 3-4 डेज तक आपको ये रेगुलर डालना है। उसके बाद आप 3-4 डेज के बाद देखोगे जो भी वैक्स है वो लिक्विड फॉर्म में होके बाहर पानी की तरह गिर रहा है और कोई भी आप ईयरबड्स वगैरह यूज़ करके उसको क्लीन कर सकते हो। कोई शार्प चीज़ नहीं यूज़ करना है, जैसे शार्प नीडल वगैरह होती हैं वो यूज़ नहीं करना है ताकि बच्चों के कान में घाव ना हो। आप नॉर्मल ईयरबड या फिर कॉटन के कोई भी चीज़ यूज़ कर सकते हो। दोस्तों तो हम बात कर रहे थे वैक्सेट के बारे में, पैरा डाइक्लोरोबेंजीन का कंटेंट होना ही चाहिए अगर आप कोई भी ऑयल या ड्रॉप परचेस कर रहे हो। ये कोई पेड प्रमोशन वाली वीडियो नहीं है, एज यूजुअल मैं बताना चाहूँगा आपको, मैं अपने पेशेंट को यही रिकमेंड करता हूँ और इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। दोस्तों एक नज़र एक्सपायरी एंड मैन्युफैक्चरिंग की तरफ बढ़ लेते हैं। हमेशा जब कभी भी आप कोई भी प्रोडक्ट परचेस करो केमिस्ट शॉप पे तो आपको मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपायरी डेट पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है ताकि आगे फ्यूचर में कोई साइड इफेक्ट ना हो। प्रेगनेंसी हो गया, बच्चे हो गए, छोटे बच्चे हो गए, सीनियर हो गए, तो कुछ साइड इफेक्ट ना हो इसलिए एक्सपायरी एंड मैन्युफैक्चरिंग पढ़ना हमेशा आपको ध्यान देना है। देन MRP भी कुछ अराउंड 66 के आसपास, कोई भी अदर ब्रांड का 60-70 के आसपास मिल जाती है। ये ऑयल होते हैं तो ये थोड़ा कॉस्टली होते हैं। नॉर्मल ईयर आई ड्रॉप आपको 15 या 20 के आसपास रेंज में मिल जाएंगे, इसलिए इसका रेंज थोड़ा सा कॉस्टली होता है। देन एक बार लैब की मैन्युफैक्चरिंग है, आप देखो ओनली फॉर ईयर ड्रॉप। कभी कभी होता है ना कि कोई ड्रॉप्स होते हैं जो आई एंड ईयर दोनों में काम करते हैं, एक बार और बताना चाहूँगा वो ड्रॉप मत परचेस करना, पैसा वेस्ट हो जाएगा आपका। ओनली फॉर ईयर ड्रॉप ऐसा लिखा होगा वही आप परचेस कर सकते हो। देन एक्सपायरी हो गई, मैन्युफैक्चरिंग हो गया एंड कंटेंट पैरा डाइक्लोरोबेंजीन इज अ मेजर कंटेंट, प्राइमरी कंटेंट है, उसके साथ जो भी ऐड हुआ होगा वो इचिंग या फंगस इन्फेक्शन के लिए रहता है। कभी कभी वैक्स के साथ कान में फंगस भी जमा हो जाते हैं तो उसको निकालने के लिए सपोर्टिव मेडिसिन जैसे ये सब दिए क्लोरोबुटोल वगैरह दिए रहते हैं तो आप इसका यूज़ कर सकते हो। देन और कुछ जानकारी के लिए ऐसा है नहीं, स्टोरेज एट कूल टेम्परेचर, ज़्यादा धूप वगैरह में मत रखा करें, नॉर्मल जो रूम टेम्परेचर होता है घर का वहीं पे रखना है। दोस्तों बात कर लेते हैं प्रेगनेंसी की तरफ, तो प्रेगनेंसी में दवाई सेफ नहीं होती है, कोई भी ईयर ड्रॉप आई ड्रॉप आप सेफ नहीं होता है। कभी कभी पेशेंट जो प्रेग्नेंट औरतें रहती हैं ज़्यादा यूज़ करने से साइड इफेक्ट ये होगा कि चक्कर, वॉमिटिंग, नौजिया वाली फीलिंग आ सकती है, इसलिए जब कभी भी आप ऐसा कुछ यूज़ करें तो आप अपने फैमिली फिजिशियन से ज़रूर कंसल्ट करें। 2 साल के नीचे वाले बच्चे हैं तो उनके लिए भी थोड़ा सा प्रिकॉशन ले, जहाँ डॉक्टर ने आपको रिकमेंड किया है 2-2 बूंद वहाँ पर 1-1 बूंद ट्राई करके देखो कंटिन्यू 3 डेज तक, डेफिनेटली उनको भी आराम हो जाएगा। और जो मिडिल एज ग्रुप है 18 ईयर्स टू 35 ईयर्स, डेफिनेटली नो डाउट आप यूज़ कर सकते हो, कोई ऐसा साइड इफेक्ट नहीं देखा गया है। दोस्तों आशा करता हूँ वीडियोस आपको अच्छी लगी हो, कुछ भी डाउट है मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, डेफिनेटली उसका आंसर दिया जाएगा। और वंस अगेन दोस्तों वीडियोस अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए शुक्रिया, जय हिंद।